नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो के तहत आपको दो महत्वपूर्ण अपडेट्स दी जाएगी, जिसमें कि टीएसपी से नॉन टीएसपी के समायोजन को लेकर के तीन जिलों के आदेश जारी हो चुके हैं, उसकी अपडेट दी जाएगी। इसके अलावा एमजीजीएस में पदस्थापन हेतु संशोधन आदेश जारी हुए हैं, एमजीजीएस क्लोज जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर शिक्षा विभागीय आदेश के अलावा आप रिजल्ट्स, आंसर की जो दैनिक समाचार, रोजगार समाचार और विभागीय योजनाओं की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि साथियों, कल भी आपको एमजीजे स्कूलों से संबंधित दो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए थे। बीकानेर निदेशालय की ओर से उसकी अपडेट दी गई थी। एमजीजेस में जो अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर थे, और आज की एक और अपडेट एमजीजे स्कूलों से संबंधित और टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजन को लेकर के जो तीन जिलों के आदेश जारी हुए हैं उसकी अपडेट है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बने रहे वीडियो के अंत तक। आज की संपूर्ण अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। पहले इसमें अपडेट आपको एमजीजे स्कूलों से संबंधित बताई जा रही है, जो कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से है। कार्यालय आदेश में देख सकते हैं, यहाँ पर राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा माध्य महात्मा गांधी अनुकोष्ठ 66174 वॉक इन इंटरव्यू 23-24 दिनांक 18 सितंबर 2023 के द्वारा चयन उपरांत जिला उन्टन के आधार पर, ये जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ उसके आधार पर, राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पद पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितंबर 2023 के द्वारा पदस्थापित किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, जो स्कूल चॉइस फिलिंग भरवाई गई थी, सबसे पहले प्राचार्यों की और उसके बाद में उनको पदस्थापन हेतु जो है प्रतिनियुक्ति आदेश जारी हुए थे। संबंधित कार्मिकों से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5, जो कि वीडियो में आपको नीचे बताया जाएगा, अंकित स्थान पर पदस्थापन संशोधन किया जाता है। यानी इनके पदस्थापन संबंधी जो आदेश हैं वो संशोधित किए गए हैं प्राचार्यों के। देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से रहेगा ये इनका। यहाँ पर जैसे पहले है नेम एंड एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर कार्मिक का नाम और उनकी एम्प्लॉय आईडी दे रखी है। अर्लियर पोस्टिंग प्लेस, पहले इनको पोस्टिंग दी गई थी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल भटाना, यहाँ पर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। न्यू पोस्टिंग पहले सब इनकी कहाँ रहेगी फॉर एमजीजीएस के लिए है, लेकिन इनकी अब महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बडगांव सिरोही में रहेगी। है तो सिरोही में, लेकिन स्कूल यहाँ पर चेंज किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर प्राचार्य के संशोधन आदेश एमजीजीएस में पदस्थापन हेतु। इसके अलावा अन्य लिस्ट जो है दूसरे नंबर पर है दीपक कुमार जी मीना, इनकी दे रखी है। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे और भी हैं, मंजू नेमार जी, राकेश कुमार जी, देख सकते हैं ये इनकी प्राचार्य के संशोधन आदेश एमजीजीएस में पदस्थापन हेतु। बड़ी अपडेट इस समय की एमजीजीएस में पदस्थापन को लेकर के प्राचार्यों की संशोधित लिस्ट जारी हुई है, जो पहले स्कूल चॉइस फिलिंग भरवाई गई थी और उनको पहले जो है पोस्टिंग दी गई थी, पदस्थापन उनका किया गया था, उससे संबंधित ले चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इनके लिए और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो जो भी कार्मिक आयोग पर बताए गए 14-10-2023 तक आवश्यक रूप से ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से कार्य ग्रहण अथवा कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। यानी इनको 14-10-2023 तक जो है रिलीव कर दिया जाएगा, और उससे पहले इनको जो है कार्य ग्रहण करना होगा संबंधित न्यू पोस्टिंग वाली स्कूल में। ले चलते हैं अगली अपडेट, जो कि टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजन को लेकर के विभाग की मीटिंग और उसके आधार पर तीन जिलों के आदेश जारी कर दिए हैं। साथियों, दो जिलों की अपडेट आपको हमारे पहले अन्य वीडियोज में दे दी गई थी, और उनकी जो लिस्ट है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई थी, जिसमें कि चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले के जो है टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजन को लेकर के लिस्ट सब्जेक्ट वाइज उन कार्मिकों की जारी हुई थी। इस वीडियो के तहत आपको उदयपुर जिले की अपडेट दी जा रही है टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजन को लेकर के जो है कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर लिस्ट भी आपको बताई जाएगी सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा उदयपुर, उनकी ओर से कार्यालय आदेश के तहत श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांग शिविरा माध्यम संस्था टीएसपी एरिया, उनके प्रदत्त आदेश अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं 25 जुलाई 2023 के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एसबी सिविल याचिका संख्या ये थी, चेत्रा मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित है समेकित आदेश दिनांक 2 फरवरी 2023 के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान
विनिधि क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें नियम 2014 दिनांक 28/1/2014 के एम इस संबंध में जारी अनुपालना में समय समय पर जारी परिपत्र के अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP एरिया के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP एरिया में समायोजन के क्रम में श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक के तहत जो है 30 जुलाई 2023 द्वारा जिला आवंटन किया गया था। अब इनको विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थ कार्मिक जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया उनके स्थान पर प्रक्रियाधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक अनुसूचित क्षेत्र सीधी भर्ती 2022 जी हाँ जो रीट भर्ती 2022 के जो अभ्यर्थी थे उनके माध्यम से उपलब्ध वैकल्पिक कार्मिकों के कार्यग्रहण के बाद जो नीचे लिस्ट बताई जाएगी कार्मिक जो कार्यमुक्त तो होकर वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक अथवा प्रारंभिक उदयपुर में आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थित दे रहे हैं का पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित विद्यालय में स्थानीय कार्यालय में आयोजित काउंसलिंग दिनांक 8/10/2023 में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। देख सकते हैं इनकी पूरी अपडेट और नीचे यहाँ पर समायोजित कार्यक्रमों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलंबित अथवा लंबे समय से अनुपस्थित अथवा किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त होते ऐसे कार्मिकों को कार्यमुक्त अथवा कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए। साथ ही कार्मिक का परिवीक्षा काल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे। अध्यापक लेवल द्वितीय अथवा प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पद विरुद्ध इस शर्त पर पदस्थापित किया है कि अध्यापक लेवल द्वितीय अथवा प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के कार्यग्रहण करने अथवा रिक्त पद उपलब्ध होने पर इनको मूल पद के अनुसार पदस्थापन कर दिया जाएगा। देख सकते हैं अब आपको लिस्ट बता देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज नीचे कार्मिकों की जो पदस्थापन आदेश जारी हुए हैं या इनके TSP से नॉन TSP में जो समायोजन हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर है यहाँ पर नीलम झाजी जो कि टीचर लेवल 2 से है साइंस में सब्जेक्ट से यहाँ पर देख सकते हैं इनका वर्तमान में पदस्थापन स्थान इनका GUPS है मुनियावास है यहाँ पर बड़गांव और समायोजित विद्यालय का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगवा देख सकते हैं जो कि लेवल 2 सोशल साइंस अगेंस्ट सीनियर टीचर यानी पद विरुद्ध इनको पदस्थापन दिया गया है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से पूरी लिस्ट आपको बताई जाएगी देख सकते हैं साथियों। इसके अलावा ये और अन्य आदेश उसी से संबंधित है और अब आपको ले चलते हैं दूसरी सब्जेक्ट के कार्मिकों से संबंधित ये हिंदी सब्जेक्ट से हैं देख सकते हैं यहाँ पर ये हिंदी सब्जेक्ट से भरूलाल पालीवाल जी हैं ये देख सकते हैं इनको भी वही पद विरुद्ध किया गया है पदस्थापन यानी TSP से नॉन TSP में समायोजन किया गया है। अब यहाँ पर ये और वही दिशा निर्देश उसी प्रकार के अब आपको अन्य सब्जेक्ट की लिस्ट बता देते हैं जैसे कि यहाँ पर है अन्य कार्मिकों की इंग्लिश के हैं इंग्लिश विषय से इनको पदनाम जो है लेवल 2 सोशल साइंस के विरुद्ध पदस्थापन दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर TSP से नॉन TSP में। इसके अलावा और ले चलते हैं पूरी लिस्ट की जानकारी के साथ ये देख सकते हैं बहुत बड़ी लिस्ट है साथियों ये सभी जो है आदेश और लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा साथियों चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के पहले TSP से नॉन TSP में समायोजन को लेकर के आदेश और जो लिस्ट है वो पहले जारी हो चुकी थी और वह लिस्ट हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है ये उदयपुर जिले की इस समय आपको बताई जा रही है पूरी लिस्ट देख सकते हैं साथियों। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए हो साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।